जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में जिन तीन स्टॉक्स पे हम स्टडी करेंगे, जिन तीन स्टॉक्स पे हमारी नजर है, पहला स्टॉक है मेट्रो ब्रांड्स, दूसरा स्टॉक है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, तीसरा स्टॉक है बर्जर पेंट्स। इन तीन स्टॉक पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टडी शुरू करते हैं। और पिछले दिनों जहां पे हमने स्टडी की थी, वहां पे कौन से स्टॉक से जहां पे करेक्शन हो गया है, किसी को लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लंबी अवधि का मतलब क्या होता है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल में, उस टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। तो ये देखो, तीन स्टॉक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, टाटा केमिकल 780, दीपक नाइट्राइट 1700 रुपये और टाइटन 1900 रुपये। इन तीन स्टॉक्स पे नजर रखिए। अगर लेवल समझ में नहीं आते तो हर महीने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में भी खरीद सकते हैं, बट तीनों ही अच्छे स्टॉक्स लगते हैं। एंड तीनों में से सिर्फ एक ऑप्शन अगर कोई सिलेक्ट करना है तो मैं सिलेक्ट करूंगा पर्सनली, अगर मुझे कोई पूछे तो टाइटन, इस स्टॉक में मैं SIP करूं इस लेवल के आसपास। तो तीनों ही बढ़िया स्टॉक्स है, बट पर्सनली मुझे टाइटन ज्यादा पसंद है। तो इसको मैं निकाल रहा हूं अभी एंड स्टडी शुरू करेंगे। सबसे पहले मेट्रो ब्रांड्स के ऊपर जानने की कोशिश करते हैं, द कमिंग डेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस स्टॉक में क्या हो सकती है। तो देखिए, अभी स्टॉक 604 रुपए के आसपास काम कर रहा है। दिसंबर महीने के एंड में लिस्ट हुआ था तकरीबन 430 के आसपास, अभी 600 के आसपास काम कर रहा है। तो समझेंगे, सबसे पहले देखिए बेसिक चीज, स्टॉक जो है अपना जो ऑल टाइम हाई था उसके आसपास फिर से आने की कोशिश कर रहा है, जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है उसके आसपास आ गया है। तो जो रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए वो क्या है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं। सबसे पहले जो अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है उसके ऊपर बंद होगा, तब बड़ी तेजी आएगी। एंड द लेवल इज 625.8, 625.8। इसको रखना है ध्यान में, ये क्लोजिंग की स्पेलिंग में सही कर देता हूं। ये देखिए 625.8 अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है। एंड द डेट वॉज दिस 27 जनवरी 2022। उस दिन के बाद स्टॉक इस लेवल के ऊपर बंद नहीं हो पाया है, तो बंद होगा तभी बड़ी तेजी आ सकती है। अब नीचे की तरफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्टॉप लॉस क्या होगा, वो है 550 रुपए। तो रेंज के एग्जैक्टली बीचों बीच फंसा हुआ है अभी स्टॉक, ये समझ में आ रहा है। तो नीचे की तरफ ट्रेडर्स के लिए 550 का स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ 625 की रुकावट, मतलब 625 के आसपास आएगा दबाव देखने मिलेगा। तो ये बाउंड्रीज डिसाइड हो गई है। अब 625.8 इसके ऊपर लगातार कुछ दिन अगर स्टॉक बंद होता है तो आने वाले कुछ महीनों में जिस रेंज में स्टॉक जा सकता है वो है 685 एंड 750। इस रेंज में स्टॉक आराम से जा सकता है। एंड ये स्टॉक की जो सर्किट लिमिट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 20% की, आई गेस पहली बार बता रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये 20% की सर्किट लिमिट है स्टॉक की, इस पे ध्यान जरूर रखिएगा। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की हमने बात की, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो इसको अवॉइड कीजिएगा, बाकी और भी बेहतरीन ऑप्शंस मार्केट में और अवेलेबल है। दूसरा स्टॉक जिसके ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं, स्टॉक का नाम है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। इस स्टॉक के बारे में, ये स्टॉक का सर्किट लिमिट भी है 20% का, 20% का, 123 रुपए के आसपास काम कर रहा है। अब स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है समझेंगे। सबसे पहले पिछले दिनों हाई लगा दिया 177 रुपए का, एंड वहां से स्टॉक देखिए किस तरह से नीचे आ रहा है। ये हमने एक बेसिक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ किया है, देखिए सारे हाई पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया, तो समझ में हमें क्या आ रहा है, हमें आ रहा है कि स्टॉक का जो है, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हो गया है, 4 सेशन हो गए हैं, नए जोन में स्टॉक आ गया है, बढ़िया बात है। अगर आप प्रेजेंटली स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो थोड़ी सी रिकवरी भी हो गई स्टॉक में, नीचे से जाके नीचे कहां तक गया था, तकरीबन 102 रुपए के आसपास। अब स्टॉक में कौन सा लेवल है जहां पर रुकावट बन रही है, बार बार स्टॉक जाके जो है नीचे की तरफ निकल रहा है या फिर दबाव बन रहा है, वो देख लीजिए, लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। एंड द लेवल इज दिस 133.05, 2 जून की क्लोजिंग, हाईएस्ट क्लोजिंग, तब से स्टॉक जो है इस लेवल के ऊपर बंद नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है ये स्टॉक, इसको भी ध्यान में जरूर रखिएगा। सो 133.05 ये ऊपर की रुकावट का लेवल, नीचे का लेवल कौन सा है जहां पे अगर उसके नीचे बंद हो गया स्टॉक तो कमजोरी हो जाएगी, नुकसान जो है ट्रेडर्स का बढ़ जाएगा, वो है 117 रुपए। तो ट्रेडर्स की बाउंड्री बन गई नीचे की तरफ 117, इसके नीचे बढ़ चला गया नुकसान हो जाएगा, ऊपर की तरफ 133 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर बंद होगा तो बड़ी तेजी देखने मिलेगी। अब आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पे क्या एक्शन होगा देखिए, सबसे पहले 133.05 इसके ऊपर लगातार कुछ दिन अगर बंद होगा तो इन द कमिंग मंथ्स कहाँ पे जाएगा, 145 155, ये स्टॉक की सर्किट लिमिट भी 20% है, इसको ध्यान में रखना है, 20% की सर्किट लिमिट है। एंड लॉन्ग टर्म का नजरिया है, इसको अवॉइड कर सकते हैं और बेहतर ऑप्शन है, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए ठीक है बट इन्वेस्टमेंट करना है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आखिरी स्टॉक के ऊपर जाएंगे, एंड मेट्रो ब्रांड्स एंड स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, आप इन दोनों स्टॉक्स के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिरी स्टॉक जिसके ऊपर हम स्टडी करेंगे, स्टॉक का नाम है बर्जर पेंट्स, एंड ये स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है देखिए, सिंपल चीज ड्रॉ करूंगा, देखिए स्टॉक जो है अभी काम कर रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न में,
ये देखो समझ में आ रहा है हमको, डिसेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न में धीरे धीरे काम कर रहा है एंड हो सकता है कुछ समय और कंसोलिडेट करे फिर धीरे धीरे करके यहाँ से बाहर निकल जाए। यहाँ पे देखिए अब रुकावट कहाँ मिल रही है स्टॉक को, रुकावट मिल रही है ये, यहाँ पे जाके स्टॉक बार बार नीचे आ रहा है एंड द लेवल इज 600 रुपीज, 600 रुपए। इसको फिट कर लो दिमाग में, इसके ऊपर बंद नहीं होगा, नो बड़ी तेजी देखने नहीं मिलेगी। तो अभी तकरीबन वहां से 24-25 रुपए दूर है, 600 रुपए को ध्यान में रखेगा। एंड नीचे की तरफ कौन सा लेवल है, इट इज 543। इसके नीचे अगर बंद होना शुरू हो जाए तो नुकसान बढ़ सकता है ट्रेडर्स का। अब ट्रेडर्स के लिए रेंज क्या बन गई, नीचे की तरफ 543, ऊपर की तरफ 600 रुपए। इसका मतलब क्या है इस रेंज का, मेट्रो ब्रांच में भी हमने स्टडी की रेंज, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में भी एंड बर्जर पेंट में स्टडी कर रहे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से थोड़ा सा डीप में जाऊंगा। इस रेंज का मतलब यह है, इस रेंज में आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब क्या है, जैसे समझो 576 के आसपास स्टॉक काम कर रहा है तो थोड़ी और तेजी आई, 585 आया, 590 आया, तो ट्रेडर जो होंगे अपनी पोजीशन बेच दी, हल्के हो गए यहाँ पे, मतलब जैसे 600 की तरफ बढ़ रहा है हल्के हो गए। एंड नीचे अगर चला गया तो समझो 555 आ गया, 550 आ गया, तो 7 रुपए की थोड़ी रिस्क के साथ खरीद लिया एंड फिर से जब उछाल आया तब बेच दिया। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा, इसको कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड ले लिया, इसको कॉन्ट्रा कहते हैं। तो ये उनका बाउंड्री हो गया, ये उनका एरिया हो गया ट्रेडर्स का। अब 600 के ऊपर लगातार कुछ दिन अगर स्टॉक बंद होता है कुछ दिन, तो आने वाले कुछ महीनों में कहां पे जा सकता है, 630, 660, ये जो रेंज है इसमें स्टॉक आराम से जा सकता है, इसको ध्यान में जरूर रखना है, बर्जर पेंट्स। ओके, अब जो स्टडी आपके सामने पेश की है पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, स्टडी जो है उसको लाइक जरूर कीजिएगा। आपके साथ आपके फैमिली फ्रेंड्स कजिन्स है, कलीग्स है, कोई भी आपके आसपास आपको लगता है स्टडी जो मैंने आपके सामने पेश किया ना वो देख के स्टॉक मार्केट में काम करना उनका आसान हो सकता है, तो प्लीज स्टडी जो है उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड आप चाहते हो मैं आपके लिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर स्टडी करूँ, वो स्टडी आपके सामने पेश करूँ ना, तो स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। एंड मैं रोज सिर्फ 2 या 3 स्टॉक्स के ऊपर स्टडी आपके सामने पेश करता हूँ फॉर रेफरेंस पर्पस। एक स्टॉक को स्टडी करने में 2 से 5 या 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दिन में आधा घंटा निकालिए, पौना घंटा निकालिए, 1 घंटा निकालिए, कुछ 12-15 स्टॉक्स को आराम से स्टडी कीजिए। एंड वो जो भी आप स्टडी करते हो, फाइंडिंग्स करते हो ना आप, वो लाइव मार्केट में मतलब अप्लाई करना शुरू कीजिए एंड फिर देखिए आपको आप मतलब किस तरह से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है एंड फिर पोर्टफोलियो में कैसे प्रॉफिट आता है, ठीक है, कैसे चमक आती है आपके पोर्टफोलियो में, वो मेरा लक्ष्य है। दैट इज द रीजन मैं जो है स्टडीज आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड ये तीनों स्टॉक्स जैसे हमने कहा, मेट्रो ब्रांड, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट एंड बर्जर पेंट्स, इन तीनों स्टॉक के बारे में आप भी क्या सोचते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या फिर अगर आप इन तीनों स्टॉक्स में से कोई स्टॉक होल्ड करते हैं तो भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या कौन से लेवल्स की आप राह देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो शुक्रिया स्टडी देखने के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।